हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो पंखे सर्विस से रिलेटेड है। पंखे की सर्विस कैसे करेंगे, पंखा हल्का जाम चल रहा है या पंखा आवाज़ कर रहा है, तो मात्र पंखे के बैरिंग में हम ग्रीस करके पंखे को स्मूथ बना सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के स्टार्टिंग में हम पंखे की सर्विस करके पंखे को चलाना शुरू करें तो पूरी गर्मी हमें पंखे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और गर्मी से भी राहत मिलेगी और पंखे में ज़्यादा खर्च आने से भी बचेंगे हम। तो दोस्तों, पंखे की सर्विस बहुत ही आसान है। मात्र 10 से 15 मिनट में पंखा सर्विस हो जाता है और आप घर बैठे पंखा सर्विस कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखें। मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई नरेंद्र आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हमने ये पंखे का क्लिप खोल लिया है और ये वायर हमें ऊपर से निकालनी होगी। जैसे दोस्तों, ये वायर अगर ज़्यादा टाइट है या हीट हुई हुई है वायर, इसमें तो नॉर्मल है वायर, इसलिए मैंने ऐसे ही डायरेक्ट ऊपर निकाल दिया है। अगर ज़्यादा टाइट वायर होती है तो दोस्तों माचिस से हल्का हल्का गर्म करके हम तार को मुलायम करके भी इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में निकाला है। ये तो टाइट नहीं था इसलिए हमने आसानी से निकाल दिया। ओके दोस्तों, पंखे का पेच खोलने के बाद हमें निशान लगाना ज़रूरी होता है। दोनों ढक्कनों पर अगर हम निशान लगा लेंगे तो इसी पे मैचिंग करके हम पंखे को टाइट कर लेंगे और पंखे का बैलेंस भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए हमने ये मार्क किया है। आप भी मार्क ज़रूर करें, आपको इसमें फिर मार्क करने के बाद पंखे की सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके दोस्तों, ये जो बैरिंग का ढक्कन है, जो इस पर बैरिंग का चढ़ा हुआ है, उसको आसानी से निकालना है जिससे कि पेच का संदर तक ना जाए और बैरिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसको आसानी से निकाल कर हम इसमें ग्रीस भरेंगे। दोस्तों, जो पंखे के बैरिंग में ग्रीस भरते हैं वो कैस्ट्रोल का ही भरें और कोई भी ग्रीस इसमें सक्सेसफुल नहीं होती है। सारे ग्रीस, कुछ लोकल ग्रीस ऐसी होती है जो ग्रीस तो हम करते हैं पंखे को स्मूथ करने के लिए, लेकिन बैरिंग में आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप कैस्ट्रोल का ग्रीस यूज़ करें। कैस्ट्रोल ग्रीस सबसे बेस्ट ग्रीस है, जो कि पंखा हीट होने के बाद या गर्म हो जाता है तो ग्रीस बहती भी नहीं है और बैरिंग भी एकदम स्मूथ रहता है, कोई शोर शराबा नहीं होता बैरिंग में। ओके दोस्तों, ये पंखे का रिंग है जो हमें रेग माल से साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसमें जैसे कि डस्ट जमा हुआ होता है या कार्बन जमा होता है, तो हम इसको रेग माल मार लेंगे हल्का हल्का, जिससे पूरी मैग्नेटिंग पावर बन सके और पंखा काफ़ी स्पीड में चल सके, इसलिए रेगमाल मारना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने दोनों बैरिंगों में ग्रीस भी भर दिया है और रिंग भी साफ़ कर लिया है, तो अब बारी है पंखा तैयार करने की। तो हम पंखा तैयार करेंगे बिल्कुल आसानी से। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जब ये फैन में हम रिंग लगाएंगे तो रिंग को बिल्कुल चारों तरफ से सेट करके फंसा लेंगे इसमें, जिससे स्टेटर में फंसे ना। अगर स्टेटर में फंसेगा तो फिर सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले हम रिंग को सेट करके और स्टेटर घुमा के देख लेते हैं कि कहीं अटक तो नहीं रहा है ये। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं स्टेटर में ये हम स्प्रिंग लगा रहे हैं। स्प्रिंग लगाना भी ना भूलें, क्योंकि स्प्रिंग से ही बैरिंग बिल्कुल टाइट रहता है पंखे का, इसलिए हमने इसमें स्प्रिंग लगा लिया है। स्प्रिंग निकलेगा पंखे के अंदर, उस स्प्रिंग को लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पंखे पर मार्क किया था, तो उसी मार्क पे हमने दोनों ढक्कनों को सेट कर लिया है और अब हम आसानी से इसमें पेच लगा सकेंगे और तीनों पेचों को बिल्कुल बराबर बराबर टाइट करेंगे। ऐसा ना हो कि एक टाइट कर दिया, एक ज़्यादा टाइट कर दिया, एक कम टाइट कर दिया, ऐसा नहीं। तीनों पेचों को बिल्कुल बराबर बराबर कसा जाएगा और इतना टाइट किया जाएगा कि चूड़ी भी स्लिप ना मार जाए, इसलिए जितना हिसाब से हो सके उतना ही कसें। अब ये फ़ैन बिल्कुल सेट हो चुका है और एकदम स्मूथ चल रहा है दोस्तों। तो अब हम इसकी क्लिप लगाकर अब इसका कनेक्शन करेंगे। आपको मैं कनेक्शन के बारे में भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप आसानी से कनेक्शन कर सकें। ओके फ्रेंड्स,
तो दोस्तों हमने ये तार निकाल लिया है, हमने ऊपर की साइड तार निकाल ली थी, अब नीचे की साइड निकाल ली है। बड़े प्यार से निकालना है इसको, तार कट ना जाए, खिंच ना जाए। जोर ऊपर का ही लगाएंगे, जो ऊपर गई हुई है तार उसी को नीचे लाने का जोर लगाएंगे। नीचे से नहीं खींचना है, नहीं तो वाइंडिंग में रख सकती है तार। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब मैं इसमें पंखे में कैपेसिटर लगा रहा हूँ। कैपेसिटर हमेशा 2.5 MFD का ही लगाना है, और कई बार क्या होता है स्पीड बढ़ाने के लिए 3.25 का कंडेंसर लगा लेते हैं हम, तो 3.25 का तो पंखे में यूज ही नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो पंखा बहुत जल्दी हीट होता है और पंखा फूक भी जाता है। तो दोस्तों हम पंखे के अंदर हमेशा 2.5 का ही कंडेंसर लगाएंगे, 2.5 MFD का। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम इसको चेक कर रहे हैं। अब हम इसमें से देखेंगे इन दो तारों में, इन तीन तारों में, पंखे में तीन तार हैं जैसे कि, इन तीन तार में दो तार ऐसी कौन सी है जिसमें सीरीज से चेक करते समय हमारा जो सीरीज का बल्ब है वो बिल्कुल धीमा जलेगा। इन तीन तार में से दो तार ऐसी होंगी जिसमें बिल्कुल बल्ब धीमा जलेगा, वही दो तारें हमें कैपेसिटर में जोड़नी होती है, जैसा कि मैं इसमें चेक कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे कि हमने चेक किया है, ये येलो और ब्लैक में बल्ब देखा होगा आपने, बिल्कुल धीमा सा जला है, तार ठीक से लग नहीं पा रहा है, इस पार कर रहा है, इस वजह से आपको ठीक से दिखा नहीं पाया मैं। बाकी ये बल्ब बिल्कुल इसमें धीमा जला है, इन्हीं दोनों तारों में हमने कैपेसिटर की तार जोड़ दी है। अब जो एक तार बची हुई है, जैसे कि रेड कलर की तार बची हुई है, रेड से येलो में हमने लगाया तो हमारा पंखा राइट चल रहा है, इन्हीं दोनों में हमने मेन कनेक्शन करना है और हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमने ये मेन का कनेक्शन कर दिया है इसमें, जिससे हमारा पंखा चलेगा। और दोस्तों ये जो रॉड मैं लगा रहा हूँ, पंखे की रॉड, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है पंखे की रॉड में जो कट का निशान होता है वही हिस्सा पंखे में कसा जाएगा, और जो बिना कट वाला लगाएंगे आप तो रॉड हिलती रहेगी और नट बोल्ट कट सकता है, क्योंकि जब हिलता रहेगा तो नट बोल्ट कट जाएंगे। इस वजह से हम जो पंखे की रॉड में जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसी को पंखे की रॉड में कसेंगे और बिल्कुल टाइट करेंगे, रॉड बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। रॉड हिलने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो बैरिंग जल्दी ख़राब होते हैं और दूसरा नट बोल्ट कट जाते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो रॉड में कटा हुआ हिस्सा था वही पंखे में कसें और बिल्कुल टाइट तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये पंखा बिल्कुल तैयार हो चुका है और फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। इसी तरीके से आप भी पंखे की सर्विस करके अपने पंखे को स्मूथ बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ओके।